ये गलत है। गुजरात में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को मार मार के भगाया जा रहा है या उनको गुजरात छोड़ के अपने गांव जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, उनकी सत्ता है, उनकी पूरी एक पूरा तंत्र है वहाँ पर। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि आपके गृह राज्य में उत्तर भारत से गए मजदूरों के ऊपर इस प्रकार से हमले हो रहे हैं और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आप बनारस के एमपी हैं, बनारस के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनने के लायक बनाया, और अगर यही चलता रहा तो आपको बनारस जाना है कि नहीं फिर से? फिर बनारस के लोगों ने रिएक्ट किया तो प्रधानमंत्री क्या मुंह दिखाएंगे? देश सबका है, हर जाति, हर भाषा, हर प्रांत के लोगों के लिए देश के संविधान ने एक अधिकार दे रखा है कि आप कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन कहीं भाषा और जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करके और ऐसे कमजोर और गरीब लोग जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, और उनका मुख्यमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी पुलिस और स्वयं प्रधानमंत्री सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, यह गलत हो रहा है और इसके ऊपर हमको बहुत ऐतराज है।